हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से वेलकम है मेरे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स पे। मैं मंतुष आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँ जो है सौर पैनल। आपने बहुत वीडियो देखी होंगी सौर पैनल, मगर मेरी उन वीडियो से अलग वीडियो है। आपने अभी तक देखी होंगी ऑफ ग्रेड वीडियो, ये मेरी ऑन ग्रेड वीडियो है। पैनल दो प्रकार से लगते हैं, ऑफ ग्रेड ऑन ग्रेड। तो ये है ऑन ग्रेड, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा ऑफ ग्रेड क्या होता है, ऑन ग्रेड क्या होता है। आप वीडियो को देखते रहें बहुत ध्यान से। तो ये सारा है रॉ मटेरियल, ये हमारे यूज़ में आएगा। ये जो अभी आपने देखा वो लेग था, दो लेग आते हैं, छोटे लेग बड़े लेग, और ये भी इन सब के नाम होते हैं। किसी का नाम राउटर है, किसी का नाम ब्रिजिंग है, इसका नाम है ब्रिसिंग। ये जो है राउटर को जोड़ता है, पर ये जीआई नट, हम जीआई नट ही यूज़ करेंगे, और कोई नट यूज़ नहीं होगा सॉरी पैनल में, क्योंकि जंग लग जाता है। जो भी आपने मटेरियल भी देखा था, राउटर, लैग, ये सब जीआई है, जीआई नट का ही यूज़ करेंगे और किसी नट का यूज़ नहीं करेंगे। और जो वाटसल है वो भी जीआई का ही यूज़ करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आप बीच में मिस मत करना, कट मत करना। आप सोच रहे होगे कि ऐसी वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी है, मैं आपको बता दूं, आपने सिर्फ लगा हुआ देखा होगा, मगर कैसे उसको लगाते हैं ये नहीं देखा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कैसे लगाते हैं हर एक छोटी से छोटी चीज़। ये है जे रोड, इसको जे रोड बोलते हैं। एक तरफ चूड़ी बनी हुई है, हमने इसमें बोल्ट डाल रखा है, सारे रॉडे हैं ये। और ये हैं फर्मे, हम इन फर्मों का यूज़ करेंगे। देखो सिंपल से फर्मे हैं, इन फर्मों का यूज़ करेंगे, यही फर्मे हमारे काम में आएंगे। और जो मैंने अभी आपको मेटल दिखाया था वो सब नीचे था, उसको हम छत के ऊपर लेके जाएंगे। जो छत है उसके ऊपर लेके जाएंगे हाइड्रिक की हेल्प से। सारा मेटल हमने बांध दिया है बेल्ट में। ये देखो अब हेडर इसको उठाएगा और ये छत के ऊपर जाएगा, जितना भी मेटल है, यहाँ तक कि जो मैंने अभी आपको सारे प्लेटें दिखाई थी वो भी सब छत के ऊपर ही जाएंगी। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए हमको ड्राइंग मिलती है। देखो ड्राइंग के हिसाब से हम देख के नाप रहे हैं, तो यहीं पे आएगा हमारा फर्मा। तो देखो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्लैब है और इसके ऊपर, इसको अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो हमारा जो रेता बजरी सीमेंट का घोल है जाम नहीं होगा। देखो हमने लाइन से फर्मे लगा दिए हैं, अब इसी में ही हमारा फाउंडेशन तैयार होगी। ये भी देखो, ये भी है फर्मे के साथ लगी है, मैंने आपको पहले दिखाया था जे रोड, इसमें लगेगी इस प्लाई में, और ये भी फर्मे के साथ लगेगा। अब हम देखो अपना फाउंडेशन तैयार करेंगे, और ये है रेता बजरी सीमेंट का घोल, अब बना रहे हैं, उसके अंदर भरेंगे। ये देखो अच्छी तरीके से इसको भरना है। इंडिया में ऐसे ही काम होता है, मशीनों का यूज़ बहुत कम होता है, आपने भी ऐसा देखा होगा, घरों में ऐसे ही काम होता है। मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपका और मेरा टाइम बहुत कीमती है। जो मैंने अभी आपको जे रोड दिखाई थी, अब इसके अंदर हम डालेंगे। ये 9 इंची माल लगभग आएगा इसके ऊपर, 9 इंची। इसको पहले सेट करेंगे जे रोड को, अब इसको सेट करेंगे जो हमने अभी रेता बजरी सीमेंट का घोल डाला है इसके अंदर, कि ये जाम हो जाए। ये हमारा
फाउंडेशन तैयार हो गया है। अभी इसको हम अगले दिन इसको खोलेंगे, जब ये सेट हो जाएगा, सूख जाएगा, सेट हो जाएगा। ये देखो अगले दिन हम इसको खोल रहे हैं, ये सेट हो गया है। और इसको खोलने का क्या तरीका होता है आप ये देखना, मैं आपको बता दूं। ये जो हमारा जो फर्मे हैं, इनमें एक फर्म एक तरफ पेज लगाते हैं, बाकी तरफ कीले लगी होती हैं, क्योंकि खोलने में ऐसे ही खोलते हैं इसको। देखो पेज खोल रहे हैं और बाकी साइडों में कील लगा रखी है। इसकी भी मैंने स्पीड बढ़ा रखी है। ये देखो ठोक ठोक कर खोलना है। खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, सेम फर्मे के साइज का ही बन गया ये। ऐसे ही हमारी सारी फाउंडेशन तैयार होंगी, जितने भी हमारा जो 100 KB का जो लग रहा है प्रोजेक्ट, तो ऐसे ही फाउंडेशन तैयार होगी जितनी भी है। ये हमारी फाउंडेशन तैयार हो गई है, ये सारी फाउंडेशन है। इसके ऊपर हमारा आएगा लैग, दो लैग आते हैं, छोटा लैग बड़ा लैग, इसके ऊपर हम लगाएंगे। और लैग लगाने से पहले उसको एक लेबिल आता है, लेबिल से सीधा लगाना होता है। देखो एकदम सीधा लगाना होता है लेबिल से। अब हम फ्रेम तैयार करेंगे। फ्रेम देखो ऐसे तैयार होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ऑफ ग्रेड ऑन ग्रेड होता है, तो ये जो है हमारा ऑन ग्रेड है। ऑन ग्रेड में होता यह है, जितनी भी हम पावर बनाएंगे यहाँ से, वो हम ऑनलाइन यूज़ कर लेंगे। यानी कि ये हमारा सिर्फ दिन में ही यूज़ आएगा, रात में यूज़ नहीं आएगी इसकी पावर। और ऑफ ग्रेड में होता यह है, हम सेविंग के लिए इन्वर्टर रख लेते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी में सेव कर लेते हैं, तो हमारा रात में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं ऑफ ग्रेड। और इस सिस्टम में होता यह है कि ये हम ऑनलाइन बना रहे हैं, ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। मगर क्या है, जिस दिन हमारा पर डे का 100 KB का लोड है, तो उस जिस दिन हमारी छुट्टी होगी, उस दिन का आप सोचोगे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, पर डे तो बनाएगा ये 100 KB, तो जिस दिन हमारी छुट्टी होगी, तो ये वापसी गवर्नमेंट को रिटर्न कर देगा। हम गवर्नमेंट को इसकी जो बिजली है वो हम वापसी कर देंगे। ऐसा भी होता है ऑन ग्रेड में, हम गवर्नमेंट को वापसी कर देते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। और जो ऑफ ग्रेड में हम सेविंग करते हैं, मगर ये अलग है। ये बड़े प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो ऑन ग्रेड के होते हैं, और ये 100 KB का प्रोजेक्ट है। देखो फाउंडेशन हमारी तैयार हो गई है, जिसके बाद हम इसके ऊपर फ्रेम तैयार कर रहे हैं। फ्रेम में देखो ये राउटर लगाया है हमने, लैग के ऊपर राउटर लगाया है, ब्रिसिंग लगा रहे हैं। ऐसे ही तैयार होता है, मैं आपको पूरा फ्रेम तैयार होते हुए दिखाऊंगा कि कैसे तैयार होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। मैं इस वीडियो में हर चीज़ नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगी आपको, आप उसको बहुत ध्यान से देखना। उसमें हर एक चीज़ बताऊंगा, जो आगे का प्रोसेस है क्या होगा, तो आप वीडियो देखते रहें। और देखो ये हमारा फ्रेम तैयार होने वाला है। अगर आपको कहीं पे सौर पैनल लगवाना है बड़ा प्रोजेक्ट, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का नंबर मिल जाएगा, आप हम लोगों से कॉल कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें जो प्लेट लगेगी वो है 315 वाट, और जो प्लेट होती हैं वो कई वाटों में आती हैं। मैं आप अगर नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। सबसे छोटी होती है 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 350, 315 और 320। जो हमारी यहाँ पे यूज़ होगी वो है 315 वाट।
जो इसके ऊपर लगेगी, 315 वाट। ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। पहले हमने ऐसे ही नट लगाए थे, अब उसको टाइट करेंगे चाबी पाने से। टाइट करना बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जरूरी है। ये हमारा फ्रेम रेडी है। ऐसे ही हम सारे फ्रेम तैयार करते हैं, जितने भी फ्रेम हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारा जो 100 किलो वाट का, इसमें टोटल 320 प्लेटें लगेंगी। 320 प्लेटें, 320 प्लेटों में हमारा 100 के भी हो जाएगा, 100 किलो वाट। ये हमारा फ्रेम तैयार है। अब हम इसके जो हमारे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था सौर पैनल, ये देखो प्लेटें आई हैं। अब इसको हम खोलेंगे, काफ़ी सेफ्टी से आती हैं, बाहर से आती हैं। इसको खोलेंगे, ये देखो इसके अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो है सिर्फ दो वायरें होती हैं, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, यानी कि एक प्लस की एक माइनस की। तो दो वायरें ही होती हैं एक प्लेट में। और ये 315 वाट की प्लेट है और इसके लिए हम कोई भी मशीन का यूज नहीं करेंगे, हाथ से ही लेकर जाना है। अब इसको हम लेके जा रहे हैं, हम उसके ऊपर रखेंगे जो हमने फ्रेम तैयार किया है। ये देखो फ्रेम के ऊपर ही रख रहे हैं। पहले हम प्लेट को फ्रेम के ऊपर रखेंगे, फिर इसके बाद में हम इसको सेट करेंगे। आप सोच रहे होंगे इसको ये कहीं आंधी में उड़ ना जाए, तो मैं आपको बता दूं अभी इसको हम जाम भी करेंगे। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा जाम कैसे करेंगे, इसको फ्रेम के साथ कैसे इसको रोकेंगे। पहले हम प्लेट रखेंगे, तो इसमें टोटल 12 प्लेट आएगी इस फ्रेम में। 12 प्लेट का ये फ्रेम है, जितने भी हमारे फ्रेम बने हैं वो 12 प्लेट के ही बने हैं। और इसकी जो लीडें हैं वो पीछे की तरफ रखना होता है और ये ढलान में ही बनता है, ये ढलान में ही बनता है। लीड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, देखो सेट कर रहे हैं। जो आगे की वीडियो है वो पार्ट टू में आएगी। प्लेट रखने के बाद हम इसमें नट से टाइट करेंगे। और इसके जो नट हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमने प्लेटें रख ली हैं, ये हैं नट बोल्ट, बहुत छोटे बोल्ट हैं। इसमें दो वार्सल और नट का यूज़ करेंगे। पहले हम तैयार करेंगे नट बोल्ट, क्योंकि बाद में एक एक डालने में प्रॉब्लम आता है। ये देखो अब हम टाइट कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है कि बाद में कहीं आंधी वांधी में ये उड़ के कहीं जाए ना। और ये ऐसे ही लगता है, देखो प्लेट के नीचे एक नट के लिए जगह है और जो हमने फ्रेम बनाया है उसमें भी जगह है, होल है उसके अंदर, तो उसी में ही लगेगा। ऐसे ही सारे नट बोल्ट टाइट होंगे। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा इसका जो स्पीड है उसको बढ़ा दूँगा। और जो आगे की जो वायरिंग है, अभी इसकी वायरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वायरिंग की जो वीडियो है मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा, मगर इससे पहले आप देखो फ्रेम का देखो। और जो एक प्लेट है उसमें चार पेज लगेंगे, चार बोल्ट लगेंगे, चार बोल्टों पे रुकेगा ये। इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, नहीं भी अच्छी लगी फिर भी कमेंट करना, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मेरी इसके अंदर क्या कमियां हैं वीडियो बनाने में।
इसकी वायरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ऑन ग्रेड में। ऑफ ग्रेड का तो बहुत इजी होता है, वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये देखो हमारे पैनल तैयार हैं, इसकी जो वायरिंग है वो पार्ट टू में आएगा वायरिंग का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। पार्ट टू बहुत जल्द आने वाला है। ऐसे ही सारी प्लेटें लगेंगी हमारी, जितनी भी 320 प्लेटें हैं ऐसे ही लगेंगी। ये हमारी प्लेटें लग चुकी हैं, लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा।